कि जी मीडिया से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने खास बातचीत की और बताया कि ये बगावत नहीं वजूद की लड़ाई। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, महाअघाड़ी में हमारी सरकार, हमारे सीएम, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी की चलती थी। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको, महाराष्ट्र के नए वजीर आला एकनाथ शिंदे ने जी मीडिया से खास बातचीत में तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ महाराष्ट्र में वो बगावत नहीं है, वजूद की लड़ाई है, हिंदुत्व के लिए बीजेपी के साथ सरकार बनाई, महाविकास अघाड़ी में हमारी सरकार थी लेकिन हमारे सीएम भी थे, मगर चलती थी एनसीपी और कांग्रेस। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिनों से जिस तरह राजनीति गतिविधियां हमें दिखाई दी थी, जिस तरह से राजनीतिक घमासान दिखने को मिल रहा था, उसके बाद अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हैं। हमारे साथ खुद एकनाथ शिंदे हैं। सर, पहली बात तो जिस तरह महाराष्ट्र में राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिल रही थी, 10 दिन के नाराजगी के बाद यहाँ पर सत्ता पूरी तरह से पलट गई, क्या हुआ था इससे पहले? ये जो 50 विधायक इन्होंने जो रास्ता अपनाया, एकजुट हो गए, इसका कारण सभी लोगों ने ढूंढना चाहिए, क्योंकि हम शिवसेना के विधायक हैं, बाला साहेब के शिवसैनिक हैं, हिंदुत्व के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने हिंदुत्व की, बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा को आगे ले जाने का फैसला किया है। मेरे साथ जो विधायक है उनके चुनाव क्षेत्र में भी जो फंड्स है, विकास प्रकल्प है, वो नहीं हो पा रहे थे, उनके ऊपर अन्याय की भावना पैदा हुई थी। सरकार में हम लोग थे, मुख्यमंत्री हमारे थे, इसके बावजूद जो हमारे घटक पक्ष है उनकी तरफ से, उनके दिल में, हमारे विधायक लोगों के दिल में एक अन्याय की भावना उत्पन्न हुई और उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया। कल चुनाव में हम जीतेंगे कैसे, ऐसी भावना उनमें पैदा हो गई, और इसके लिए एक विचार, एक भूमिका लेकर उन्होंने एकजुट दिखाई। लेकिन शिंदे सर, जैसे देखा है कि पिछले 55 सालों में जिस तरह शिवसेना का संगठन जो है वो आपने भी देखा है, आप ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता थे, तो ऐसा क्या हुआ कि 55 साल के इस संगठन के ऊपर इतनी बड़ी बगावत का सामना अभी करना पड़ रहा है? ये बगावत नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। मेरे पास कई विधायक आते थे, अपना रोना, अपनी समस्या बताते थे, मैंने भी कई बार कोशिश की इसमें से कोई मार्ग निकले, विधायक लोगों ने भी कई बार कोशिश की, लेकिन उसमें हमको सफलता नहीं मिली, हम कामयाब नहीं हुए, और इसलिए ये भूमिका लेकर 50 लोगों ने निर्णय ले लिया। जी बिल्कुल, लेकिन इस सरकार को लेकर फिलहाल काफी सवाल जो है वो शिवसेना उपस्थित करते हुए नजर आती है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रेशर बनाकर ये सरकार खड़ी हो गई है, हमारे विधायक वहां पर धर दबोचे गए हैं, उनको जबरन वहां पर ले जाया गया था। ऐसे कई बातें, फिजूल की बातें एक दूसरे में संभ्रम निर्माण करने की कोशिश बहुत की, उसके भरसक प्रयत्न भी किए, कोर्ट का भी डर बताया, डिस्क्वालिफिकेशन का डर भी बताया, लेकिन एक भी विधायक इस ठस से मस नहीं हुआ, यहाँ से वहाँ नहीं गया, वो पूरी तरह अपने विचारों के साथ पक्का था। ये कोई जोर जबरदस्ती वाली बात ही नहीं है, हम लोग वहाँ पहुँचने के बाद कई विधायक आ गए, क्या उनको किसी ने जबरदस्ती की थी? और ये जबरदस्ती, ये तो विधायक है जो 3-3, 4-4 लाख लोगों में से जीतते हैं, और ऐसे लोगों को कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है, ये संभ्रम फैलाने वाली बात है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं है। और आपको यह भी बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास 115 से 120 विधायक है और हमारे पास 50, हमारा आंकड़ा कम है लेकिन उनका आंकड़ा बड़ा है, फिर भी उन्होंने इस राज्य के विकास के लिए,
एक शिवसेना विधायक या बाला साहेब ठाकरे जी का एक शिवसैनिक के हैसियत से मुझे मुख्यमंत्री के लिए समर्थन दिया, ये बहुत अपने आप में बड़ी मिसाल है, अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए मैं केंद्रीय नेतृत्व, जो प्रधानमंत्री जी है, गृह मंत्री जी है, मोदी जी है, अमित शाह जी है, नड्डा जी है, इनको मैं धन्यवाद दे चुका हूँ और देवेंद्र जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान ये सब पूरी प्रक्रिया में है।